हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी ये राउंड यॉक विद रफल फ्रॉक। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है। इसके लिए थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लगता है। तकरीबन 3 साल की बच्ची के लिए फैब्रिक 2.5 से 3 मीटर ईजीली लग जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक यूज़ होता है। ये मैंने 4 पीसेज ले लिए हैं यॉक की कटिंग के लिए। 2 पीसेज मैंने इनर के लिए हैं और 2 पीसेज मैंने आउटर के लिए ले लिए हैं। इस तरीके से मैं 5 इंच शोल्डर लाइन लूँगी, 2.5 इंच नेक की चौड़ाई और 2.5 इंच ही मैं नेक की डेप्थ ले रही हूँ। इस तरीके से मैं इन निशानात को लगा लूँगी। निशानात के मुताबिक अब मैंने एक राउंड शेप क्रिएट करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर राउंड यॉक की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क करती जाऊँगी 7 पर निशान लगाते हुए। इस तरीके से मैं एक शेप राउंड क्रिएट कर लूँगी और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो भई आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप ही हमें ये वाला फ्रॉक बनाना सिखा दें, तो लीजिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही खास बना दी है। और भी जो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी डिमांड्स पे अमल करूं तो YouTube की जो भी वीडियोस होती हैं उनके नीचे कमेंट्स सेक्शन में लाजमी कमेंट कर दिया करें क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं TikTok या Facebook पर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ नहीं पाती, इसीलिए YouTube पर ही आप मैसेजेस मुझे कर दिया करें। इस तरीके से हमारी यॉक की कटिंग हो गई है। 2 पीसेज हमारे आउटर के हैं, 2 पीसेज हमारे इनर के हैं। तो अब हम इन दोनों के शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी यॉक की शेप कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गई है। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करके अब मैं सेंटर से एक कट दे दूँगी जिसे हम अपने बटन टेक भी कह सकते हैं ताकि का सर इजीली इंसर्ट हो जाए। इसके लिए हम इस तरीके से कट लगा देंगे। तो एक पीस को मैं अपने इनर को अलग कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने रफ़ल पहले ही रेडी कर ली थी, बहुत दफ़ा आप लोगों को रफ़ल बनाना सिखा चुकी हूँ। रिल की लंबाई जो है वो मैंने 32 इंच ली है। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच ले ली है। आप चाहें आप अपनी यॉक के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई को कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। बस इस तरीके से मैंने अपनी जो फ्रिल है इसको रेडी किया। रेडी करने के बाद बिल्कुल इसी के मुताबिक, इसी शेप के मुताबिक मैं इसी तरीके से राउंड रख कर अपनी फ्रिल को एक सिलाई की मदद से अटैच कर लूँगी। इसको सिलने के बाद जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले इस तरीके से एक सिलाई से इस फ्रिल को अटैच कर लें, उसके बाद अपना इनर लें। इनर लेने के बाद हम मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा रास्ता छोड़ूंगी एक साइड से जिसे हम इसे सीधा करेंगे। ये हम गुम सिलाई के साथ इस पूरी को रेडी करेंगे। अपनी यॉक को हम गुम सिलाई के साथ इसको रेडी करेंगे। नेक के राउंड भी स्टिच करूंगी और यॉक के साइड पे स्टिच करूंगी। बस एक साइड से इतना मैं छोड़ दूंगी ताकि मैं इसको उल्टा के सीधा कर सकूं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेक के इर्द गिर्द और अपनी यॉक के साइड्स पे भी अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, हम अपनी फ्रिल को इस तरीके से खींचते जाएँगे और जो हमारी फ्रिल है वो इसी तरीके से बाहर आती जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी यॉक तकरीबन जो है वो सीधी हो चुकी है। जो बिगनर्स हैं जिनको इस तरीके से ये वाला मेथड मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक किसी और आसान मेथड के साथ भी इसको बनाना सिखा दूंगी क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है। मगर ये जो गुम यॉक मैंने बनाई है इससे ज़रा आपकी फ्रॉक में बहुत ज़्यादा नफासत आ जाती है। नफासत के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती से रेडी होती है और आपके धागे भी बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये जो रास्ता मैंने छोड़ा था इसको प्रेस की मदद से अच्छे से मैं सेट कर लूँगी, फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद उस रास्ते पर मैं सिलाई की से उसको बंद कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने बटन अटैच करने के लिए वहाँ पे एक लूज भी अटैच कर लिया है। आप चाहें तो हुक अटैच कर सकते हैं, चाहें तो बाहर से बटन भी अटैच करवा सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी रफ़ल यॉक है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। अब हम अपना प्लेटेड पार्ट लेंगे। प्लेटेड पार्ट जो है यॉक रेडी करने के बाद अब हम आते हैं अपने प्लेटेड पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने अपने प्लेटेड पार्ट को ले लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 28 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 15 इंच। और इस तरीके से मैं इन दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लूँगी और अब अपने आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। आर्म होल की कटिंग के लिए मैंने 3 इंच डीप कट करना है आर्म होल को। इस तरीके से निशान लगा लूँगी। निशान के बाद मैं अब अपना आर्म होल कट कर लूँगी और सेंटर से भी थोड़ी सी गुलाई की शेप दे दूँगी।
इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई। और इस तरीके से यहाँ से भी मैं थोड़ी सी गुलाई की शेप दे लूँगी। आप चाहें तो नहीं दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपकी फ्रॉक का जो उठाव आता है ना, वो बहुत खूबसूरत आता है। तो इस तरीके से जो हमारी प्लेटेड पार्ट है उसकी भी कटिंग हो गई, और यहाँ पर मैं प्लीट्स को ऐड कर लूँगी। तो मेरी प्लेटेड पार्ट पे प्लेट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसे अपनी योक के साथ अटैच करूँगी। और ये फ्रॉक गर्मियों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, और पहनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आप ये किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं। इसका मेथड अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार आप लोगों से ये कह रही हूँ, मैं डिफरेंट मेथड के साथ भी आप लोगों को बनाना सिखा दूँगी। तो यहाँ पर अब हमने अपने आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क कर लेना है दोनों तरफ, ताकि अब हम अपने प्लेटेड पार्ट को अटैच कर सकें। 3 इंच कंधे से एक साइड और 3 इंच कंधे से एक साइड, यानी कि टोटल 6 इंच हमने आर्म होल ले लेना है। इस तरीके से अपनी योक को इस तरीके से सेट कर लेंगे, और जहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं अपने प्लेटेड पार्ट को, वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं अपना बैक साइड का प्लेटेड पार्ट लूँगी, और उसे भी इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद इसको भी यहाँ से, आप जो बिगनर्स हैं वो पिनअप कर लें। मैं तो पिनअप के बिना ही इतने अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। आप लोग पिनअप कर लें यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से, या सुई की मदद से कच्चे टांके लगा लें, और उसके बाद मशीन की मदद से आप इसे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्लेटेड पार्ट हैं वो योक के साथ अटैच हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट और अच्छी लुक नज़र आई है। मेरी फ्रॉक की जो लेंथ थी वो मुझे कम लग रही थी, इस तरीके से इसीलिए मैंने फ्रॉक के नीचे भी एक फ्रिल अटैच कर ली है। आप चाहें तो सिर्फ सिंगल प्लेटेड पार्ट ही लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने फ्रिल अटैच की है नीचे घेरे में भी। तो आप चाहें तो बारीक लेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेस कोई भी यूज़ नहीं की, क्योंकि गर्मियों में कुछ बच्चों को लेसेस वाले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब मैं फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद हमारी फ्रॉक की लुक कुछ इस तरह से है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे अगली वीडियो में नए दिन के साथ और नई वीडियोस के साथ। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।